સમાચારમાં આગળ વાત કરીએ. સમાચાર મળી રહ્યા છે કે રણજી ફાઇનલમાં ગુજરાતે સારું પ્રદર્શન કર્યું છે. રણજી ફાઇનલમાં ગુજરાતનું ધમાકેદાર પ્રદર્શન થયું હોવાના સમાચાર છે. મુંબઈની ટીમ 228 રનમાં ઓલ આઉટ થઈ ગઈ છે. ગુજરાતનું ધમાકેદાર પ્રદર્શન છે. ટોસ જીતી ગુજરાતે પસંદ કરી હતી ફિલ્ડિંગ. 56 વર્ષ બાદ ગુજરાત રણજીની ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હોવાનું અહેવાલ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે. રણજી ફાઇનલમાં ગુજરાતે પોતાનું ધમાકેદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. મુંબઈ 228માં ઓલ આઉટ થઈ ગયું છે. 56 વર્ષ બાદ ગુજરાત ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે. આંગે વધુ માહિતી સાથે ધીરજ જો અમારી સાથે ફોન લાઈન પર જોડાયા છે. ધીરજ, જે રીતે કહી શકાય 56 વર્ષ બાદ ગુજરાત રણજી ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે અને આ વખતે રણજી ફાઇનલમાં ગુજરાતનું ધમાકેદાર પ્રદર્શન જોવા મળ્યું છે, શું માહિતી છે? जी मनीषा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये रणजी का जो फाइनल चल रहा है मुंबई और गुजरात के बीच, उसमें मुंबई 228 रन पे गुजरात ने मुंबई को ऑल आउट कर दिया पहली इनिंग. अभी दूसरी इनिंग बाकी है और दूसरी बार भी बैटिंग मुंबई करने आएंगी. और अभी जो गुजरात का पहली इनिंग की जो बैटिंग है उससे खास नजर होगा, क्योंकि जिस तरह से मुंबई के में भी अच्छे खिलाड़ी हैं और 228 रन पे ऑल आउट हो गए, तो कहीं ना कहीं मुंबई के पास भी अच्छे बॉलर हैं और वो चाहेंगे कि गुजरात को सस्ते से सस्ते रनों में ऑल आउट करें पहली इनिंग में. जबकि अगर प्रदर्शन की बात करें तो ये बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कहा जाएगा गुजरात टीम के द्वारा पहली इनिंग में, कि उन्होंने गुजरात जैसी महाराज जैसी टीम की, मुंबई जैसी टीम को 228 रनों पे ऑल आउट किया है, जिसमें कि उनके पास गुजरात के पास बहुत अच्छे बॉलर हैं आरपी सिंह, जो इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं, उनको इंटरनेशनल मैच का अनुभव है और जिस तरह से उन्होंने बॉलिंग किया और 2 विकेट पहली पारी में झटके हैं और इसे आशा करते हैं कि सेकेंड इनिंग में उनका फॉर्म बरकरार रहेगा. और बहुत सालों बाद, आप जैसे कि आप बता रहे थे कि 55 सालों बाद रणजी फाइनल में गुजरात टीम पहुंचे और ये जीतने के आसार लग रहे हैं. मनीषा, बिल्कुल धीरज जी, रणजी में गुजरात धमाकेदार प्रदर्शन करी फाइनल में पहुंचे थे, तरह हमें गुजरात की टीम माटे कितनी सिद्धि कहवाए? देखिए, गुजरात ने पहले ही इतिहास रचा है इतने सालों के बाद रणजी फाइनल में पहुंचने का, और गुजरात के पास एक सुनहरा मौका है कि ये रणजी फाइनल जीत के एक इतिहास रच दे. ये सोने पे सुहागा होगा कि इतने सालों के बाद रणजी के फाइनल में पहुंचे गुजरात टीम, और अगर गुजरात टीम जीत जाती है रणजी फाइनल तो ये अपने आप में एक इतिहास रचने वाली बात होगी. लेकिन ये अभी कहना अभी ये मुश्किल होगा कि ये कौन जीतेगा, क्योंकि ये फाइनल का पहला दिन है और पहले दिन में गुजरात ने अच्छा प्रदर्शन किया और 228 रन पे ऑल आउट किया मुंबई. लेकिन अभी 4 दिन बाकी है उसके, और देखना पड़ेगा कि दूसरी पारी में किस तरह से गुजरात की टीम प्रदर्शन करते हैं और मुंबई का टीम किस तरह से फाइट बैक करता है. हो सकता है कि मैच बहुत ही रोमांचक होगा, ये तो तय है, लेकिन कौन जीतता है अभी ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ये मैच का पहला ही दिन है. मनीषा, बिल्कुल धीरज, आपनो आभार. समग्र माहिती आपवा बदल. रणजी ફાઇનલમાં ગુજરાતે ધમાકેદાર પ્રદર્શન કરી તે ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે. 56 વર્ષ બાદ ગુજરાત રણજી ફાઇનલમાં પહોંચ્યું છે.